आज से मनु अखाड़े में नहीं आएगी। ये तो हमारी मनु के साथ अन्याय है, ऐसा दंड उसे नहीं मिलना चाहिए। कभी कभी अच्छे कर्मों के लिए भी दंड मिलता है। इस भव्य अवसर पर उसे भी अवश्य उपस्थित होना चाहिए जिसने हमारे आदरणीय नाना साहब के प्राण बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नाना भाऊ हमें नहीं बैठाओगे? ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है। नहीं नाना भाऊ, मेरे भाग्य में एक नहीं 10-10 हाथी है। मनु दीदी। अरे हो गई कहीं, चलिए ना नान भाऊ हम लोग खेलने चलते हैं। नहीं इंदु, अगर मनु होगी तो और भी मजा आएगा। मनु यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वो देखो वहाँ बेटी है, वो मुंह फुलाए, तुम सबसे नाराज है। और नाना भाऊ आपसे तो वो बहुत नाराज है। नाराज होगी तो क्या कर लेगी? इंदु बहुत जलती है मनु से। अरे मैं क्यों जलूंगी? मनु हाँ नाना भाव, ये तो आपसे नाराज है। हमसे? भाई चोट तो हमें लगी थी, उल्टा हमारा हाल पूछने के बजाय तुम हमसे ही नाराज हो। ये मनु शमा कर दो भाऊ है। शमा कर दो भाऊ है? घोड़े से गिरकर जब खाई में बेहोश पड़े थे, हम कैसे इन्हें अपने घोड़े पर लाद कर यहाँ तक लाए हैं, लेकिन सब हमें ही दोष देते रहे और ये हमारी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोले। लेकिन मनु हम तो बेहोश पड़े थे ना। लेकिन बाद में होश आ गया ना। लेकिन अवसर कहाँ मिला हमें? जब अवसर मिला तो हमें छोड़ दिया। कौन सा अवसर और कहाँ छोड़ा तुम्हें? बस बस रहने दो नाना भाऊ, कल जब हाथी आया था तो अकेले निकल गए और हम पीछे से पुकारते रह गए। भाई हाथी तो राजा महाराजाओं की शान होती है। फिर तुम कैसे बैठ गए? क्या तुम भी कहीं के राजा हो? मिठुर का भावी पेशवा नाना साहब। और वो महावत, क्या वो भी कहीं का भावी पेशवा है? अब बताओ नाना बाऊ। श्रीमान सरकार तुम्हें आप दोनों को बुला रहे हैं। हम नहीं जाएंगे। नू पागल हो गई है क्या? श्रीमान सरकार बुला रहा है और तू? बुलाने दो। प्रणाम बाबा साहब। मनु कहाँ है? जी वो श्रीमान सरकार यहाँ है। मनु क्या बात है? छबीली अभी भी नाराज है? हम सबसे नाराज है। हमसे भी? नहीं बाबा साहब, मनु केवल हमसे नाराज है। कल हमने इसे अपने हाथी पर नहीं बैठाया था ना? नाना तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती। अरे तुम तो बड़े हो, ये तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। बाबा साहब मैं तो उसे अपनी छोटी बहन ही मानता हूँ, लेकिन ये अपने आप को छोटा मानती ही नहीं। क्यों? क्या हम आपको नाना नाना पुकारते रहते हैं? नाना भाऊ ही तो कहती हूँ। इधर आओ दोनों। देखो इस तरह अपने नाना भाऊ से झगड़ती रहोगी तो अंग्रेजों का मुकाबला कैसे करोगी? देखो बच्चों, कोई नहीं जानता कि समय की मुट्ठी में क्या है, पर सब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हालात खराब के खराब हो रहे हैं। हम सब इन अत्याचारी कोरों की दया पर जीने के लिए विवश हो गए हैं। हमसे हमारा मान सम्मान छीनकर हमें नाम का राजा महाराजा पेशवा बना दिया है। अरे हम लोग तो इनकी फूट डालो और राज करो नीति का शिकार बन गए, कुछ न कर सके।
लेकिन तुम लोग, तुम लोगों को तो बहुत कुछ करना है। एक लंबी लड़ाई, और ये लड़ाई तभी संभव होगी जब एक और एक को दो नहीं, एक और एक को 11 समझोगे। इसने अपने आचरण से साबित कर दिया है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। जरा सोचो बेटे, आज एक अंग्रेज को दंड देने का साहस बड़े से बड़े महाराज में है, लेकिन हमारी मनु ने वो कर दिखाया है। इसने तुम्हारी जान भी बचाई है। एक होने वाले पेशवा को यह उपकार भूलना नहीं चाहिए। नाना, हमारी इच्छा है कि ये हमारे पूर्वजों का शाही खंजर अपनी अटूट मित्रता के प्रतीक स्वरूप मनु को भेंट करो। मोरोपंत उसे रसोई में लेकर आया, लेकिन श्रीमन सरकार ने फिर उसे खंजर पकड़ा दिया। अरे, कल ब्याह के अपने ससुराल जाएगी तो क्या मुंह दिखाएगा मोरोपंत? श्रीमन सरकार की जय हो। आपके आदेशानुसार मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाले स्नान की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई हैं। हाँ, कल सवेरे हम सबको गंगा घाट पर स्नान के लिए जाना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम 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 मोरोपंत जी। अहो भाग्य जो राजमहल की महान हस्ती इस तुच्छ कान को ब्राह्मण की कुटिया में। कहिए इस द्विज के लिए क्या आदेश आचार्य जी? ये भेंट स्वीकार करें। क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, हम लोग निरामिष हैं, पूर्णतया शाकाहारी। आप लोगों के यहां तो छोड़े जाने दीजिए, यहां आने का प्रयोजन बताइए। आचार्य जी, अपनी पुत्री की कुंडली दिखाने आया था। अरे आप तो स्वयं पूना के प्रकांड पंडित हैं और हम ठहरे तुच्छ कानकुच ब्राह्मण। कैसी बात कर रहे हैं आचार्य जी, ब्राह्मण कभी तुच्छ नहीं होता। ठीक है, लाइए देख लेते हैं। क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, यह कुंडली आपकी पुत्री की नहीं हो सकती। क्यों? To Ganga's Ghat, Sir Morland. It is just lovely, lovely view. Oh, yes. So enjoy it, my dear Christina. Aye, madam. Aye. ये कुंडली आपकी पुत्री की है? हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा परंतु यह सत्य है आचार्य जी। मंगल शुक्र शनि सब उचित घर में अद्भुत योग है। ग्रहों की ऐसी स्थिति हमने अभी तक किसी कुंडली में नहीं देखी। क्यों, ऐसा क्या है मेरे मनु के भाग्य में? गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। बाजीराव और हमारे घाट पर ध्रुपद
कृपा करके आप इस घाट से शीघ्र हट जाएं। यहाँ हमारे आचार्य वाद्रायन स्नान करते हैं। स्वागत है आचार्य जी का। कितना बड़ा घाट है, हम पीछे चले रहते हैं? नहीं, कदापि नहीं। हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। जब हम स्नान करते हैं तो गंगा की पहली लहर हमारे शरीर को स्पर्श करती है। हम किसी की धोवन में स्नान नहीं करते। आचार्य जी, शास्त्रों के अनुसार ये गंगा माँ तो गोमुख से निकलकर अपने मार्ग में आए समस्त पतितों को पावन करती हुई यहां ब्रह्मावर्त तक आई है। बस बहुत हुए उपदेश। अभी वादरायण का वो समय नहीं आया कि वो आपसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करे। What's going on over there, Harry? Some religious difference between two Brahmins. अधर्मी ब्राह्मण नहीं है हम, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। और शास्त्रानुसार कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। कठोपनिषद में स्पष्ट लिखा है, मृत्यो सम मृत्युम आपनोति यनावे उपश्यति। अर्थात जो व्यक्ति संसार में दूसरों को अपने से अलग दिखता है वो मोक्ष को नहीं मृत्यु प्राप्त कर जाता है। हमें शास्त्र मोक्ष और मृत्यु की दीक्षा देंगे, तो फिर सुनिए, यह शास्त्र विदमुस्तृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिवाणोते न सुखम न परांगते। अर्थात आप जैसे ब्राह्मण जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, उन्हें न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख और न परम गति। ऐसे आरोप न लगाइए आचार्य जी। आरोप? हमने बिठूर में आपका स्वागत किया एक अतिथि के रूप में, परंतु आप ब्रह्म धर्म का पालन करने की बजाय इस रासलीला में व्यस्त हो गए। आप यहां हैं तो आपको हमारे रीति रिवाज मानने चाहिए। कोई है उत्तर हमारे तर्कों का आपके पास? उत्तर दीजिए बाजीराव। उत्तर दीजिए, दीजिए कोई उत्तर। ईशावासियों को उपनिषद में ये साफ लिखा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेद् द्विजः वेदपाठी विप्रः इति ब्रह्म जानत्तम ब्राह्मण। अर्थात जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार से मनुष्य को दूसरा जन्म प्राप्त होता है। वेद का केवल ज्ञान ही नहीं, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण होता है। विद्या ददाति विनयम् विनयाद्याति पात्रताम्। अर्थात विद्या से तो विनय की प्राप्ति होती है, लेकिन आपको इतना अहंकार है।